स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सर। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि लिखा हुआ है मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। शर्ली बाइज अ फैक्स मशीन एंड सेल इट टू द देवी एट अ गेन ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। देवी देन सेल्स द फैक्स मशीन टू अमारा अ लॉस ऑफ 25% ऑन द प्राइस विच शी बाइज एट it from Shirley. If Amara pays $360 for fax machine, how much did Shirley pay for it? ठीक है, क्वेश्चन होपफुली कि आपको समझ आ ही रहा है कि क्या कहा जा रहा है। सो सबसे पहले हम Shirley की कॉस्ट प्राइस जिस पर उसने फैक्स मशीन खरीदी है वो हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कहीं वैल्यू नहीं लिखी हुई है। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ली इक्वल्स टू डॉलर एक्स वाई जेड ए बी सी वट सो एवर जो आप लिखना चाहते हो, जो आपको इजीली हो। ठीक है, यहाँ पे आप वन भी लिख सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, वन और एक्स की वैल्यू सेम एज इट इज एक ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली 25% जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फैक्स मशीन हैज सेल इट टू द डेवी एट अ गेन ऑफ 25%। ठीक है, 25% शर्ली ने जो है सेल आउट की है। ठीक है, तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, डॉलर एक्स प्लस सेलिंग प्राइस हमारे पास 25/100। ठीक है, 25% का निकल है इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया डॉलर एक्स। ठीक है, अब 25 और 100 को हमने डिवाइड किया, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डॉलर एक्स प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय डॉलर एक्स। ठीक है, अब हमने इसके साथ इनको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड, कैसे, जैसे एक्स के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है और उसके नीचे जो 1 होगा उसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये मल्टीप्लाई बाय भी 4 हो रहा है, इधर जो 1 है वो भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 4 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय डॉलर एक्स और उसके नीचे जो 1 है वो भी मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4x और नीचे 4 अपॉन प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो डॉलर एक्स ही आया। ठीक है, और अपॉन 4 हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। 1 को जब ऊपर वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज आ गई। अब 4x प्लस 1x मतलब डॉलर एक्स 1 हो गया। ठीक है, डॉलर एक्स दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 5x आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली। ठीक है, डॉलर 5x अपॉन 4। ठीक है, अब डेवी की कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डेवी देन सेल द फैक्स मशीन टू अमारा। ठीक है, अब डेवी ने अमारा को वो फैक्स मशीन सेल आउट की है लॉस के साथ। देखो, ऑफ अ लॉस ऑफ 25% ऑन द प्राइस विच शी बाइज इट फ्रॉम शर्ली। ठीक है, अब इस वाली कहानी को हमने स्टार्ट करना है। कैसे, हम अब डेवी का भी देखो यहाँ पर एज इट इज कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, बस उसने लॉस दिया है 25%। ठीक है, और उसने गेन किया था 25% पर, तो मतलब लॉस उसको 25% पर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो शर्ली की सेलिंग प्राइस वो ही डेवी की सेलिंग प्राइस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ डेवी इक्वल्स टू डॉलर 5x अपॉन 4 माइनस 25%। 25% को कन्वर्ट करते हैं 25/100 में, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली। ठीक है, ये वाली सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली, ये वाली सेम एज इट इज नीचे आ गई। ठीक है, क्योंकि डेवी ने शर्ली से ली थी, तो हमने उन दोनों के देखना है कि किस तरीके से हुआ ये सब कुछ। अच्छा, फिर क्या किया हमने,
हमने 25/100 जो कि डिवीजन में वैल्यू होती है, मैथमेटिकल रूल है कि डिवीजन वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन को पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो हम पहले डिवीजन को करेंगे। डिवीजन को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.25, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज रह गई। फिर हमने 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.25, ठीक है, 25 आ गया, ठीक हो गया। और नीचे 4 आ गया वैसे ही सेम एज इट इज, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवीजन में 4 एज इट इज आएगा ये, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया, सेम वैल्यूज है, सेम एलसीएम ले लिया, सेम एज इट इज आ गया, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज 5x आ गया, माइनस 4 डिवाइड बाय 1, और उसको 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर आगे हमने क्या करना है, इसको हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। 5, अब x आप कैसे लगाओगे, x तो नहीं लगाओगे ना, अंडरस्टूड सी बात, थोड़ा सेंस बंदा यूज कर लेता है। 5 में से माइनस करोगे 1.25, माइनस किया तो हमारे पास 3.75 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3.75x डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब x आ रहा है तो ऑब्वियसली कि x आप बाहर लेकर आओगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो अंडरस्टूड सी बात है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, हम लिखेंगे 3.75 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास आ जाएगा 0.93। तो हमारे पास डेवी की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, डेवी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 0.93x, ठीक है, आ गया ये। अब फर्दर आगे चलते हैं, आगे आगे हमें उसने कहा है क्या, हमने हमारा से जो लिया था हमारा वाले हिसाब को भी हमने बराबर कर, देखिए यहां तक हमने लॉस कर लिया ना 25% के हिसाब से, ठीक है। शी बाइज फ्रॉम शर्ली, अब अमारा, इफ अमारा पेज $360 फॉर फैक्स मशीन, हाउ मच डिड शर्ली पे फॉर इट। अब इस वाली कहानी को हम शुरू करते हैं जबानी, ठीक है। सो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अमारा, क्या थी बच्चों, $360, याद रखने फिगर्स आप लोगों ने, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ली, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ली की कितनी थी, शर्ली की कॉस्ट प्राइस थी $X, भूल गए हो। फिर है सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली की कितनी थी, $5x/4, ठीक है। और डेवी की सेलिंग प्राइस कितनी थी, डेवी की कॉस्ट प्राइस पहले बताओ मुझे कितनी थी, सेम एज इट इज थी, यही वाली की थी ना हमने कैलकुलेशन में। सेलिंग प्राइस क्या निकाली डेवी की, ये सामने है 0.93x, ठीक है, और इक्वल्स टू आप कर दोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारा, क्या थी हमारे की कॉस्ट प्राइस, अब यहां से इसको करेंगे, ठीक है, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। हमने लिखा 0.93x डेवी की सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अमारा $360, इसके साथ भी डॉलर आएगा मैंने लिखा, मगर आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वल्स टू का साइन है तो ऑब्वियसली जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्स है ना, एक्स इक्वल्स टू $360 डिवाइड बाय 0.93, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी,
360 डिवाइड बाय 0.93, तो हमारे पास आता है 387 पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 387 डॉलर। ये पे करने हैं शर्ली ने किसको, अमारा को पे करने हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे शर्ली पेड शर्ली पेड टू अमारा डॉलर 387 उसने पे करने हैं उसको, क्योंकि लॉस किसको हो रहा था, बेचारी अमारा को हो रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। काइंडली आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, और जैसे कि मैंने करवाया है सेम एज इट इज ऐसा ही कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ आपका असाइनमेंट दे दूँ, बट नहीं दे पा रही हूँ। अगर कुछ इशू हो आपको क्वेश्चन में, तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, ठीक है, बाय बाय।